हेलो स्टूडेंट्स माय दिस वीडियो इज फॉर माय ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ हेलो एल्केन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में दैट इज एसन रिएक्शन व्हाट इज एस रिएक्शन

एल्केन्स की वो रिएक्शंस जिसमें जो हैलोजन वाला पार्ट है वो किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू डिस्प्लेस हो जाता है उन रिएक्शंस को उन सारी रिएक्शंस को हम एसएन रिएक्शंस बोलते हैं सो वी कैन रिप्रेजेंट एसएन रिएक्शन थ्रू द इक्वेशन सी दिस इज हेलो एल्केन फॉर जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन

सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा सीधा रिएक्शन आर एक्स प्लस एन एच एक्वा सोल्यूशन लिया है हमने यू विल गेट आर ओ एच प्लस एन एक्स यदि आप R का वैल्यू सी एच थ्री रखना चाहें मैंने रखा है R का वैल्यू सी एच थ्री और इन प्लेस ऑफ X मैंने जो एलोजन लिया है दैट इज सी एल सो सी एच थ्री सी एल प्लस एन ए ओ एच यू विल गेट सी एच थ्री ओ एच प्लस एन ए सी एल दिस इज द एग्जैम्पल ऑफ एसन रिएक्शन वाय तो देखिए इसमें ये जो हैलाइड पार्ट है ये जो हैलोजन वाला पार्ट है इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द न्यूक्लियो फाइल और यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियो फाइल है दैट इज ओ एच माइनस आयन हाइड्रोक्सल आयन डिसप्लेस दी एल आयन्स एंड फॉर्म एल्कोहल वन मोर एग्जाम्पल दैट इज़ रिएक्शन विद के सी एन पोटेशियम साइनाइड के साथ यदि आप हेलो एल्किन का रिएक्शन करवाते हैं सो द रिएक्शन इज जनरल रिएक्शन इज आर एक्स प्लस के सी एन अल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे हम यू विल गेट आर सी एन प्लस के एक्स पर्टिकुलर मेंबर यदि हम लेकर बात करें तो मैंने आर का वैल्यू यहाँ रखा हुआ है सी टू एच फाइव एंड एक्स के प्लेस पर मैंने लिखा हुआ है आई मैंने आयोडीन लिया हुआ है सो सी टू एच फाइव आई प्लस के सी एन पोटेशियम साइनाइड यू विल गेट सी टू एच फाइव सी एन प्लस के आई इन दिस रिएक्शन ऑल्सो देयर इज ए सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन पार्ट

नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एसन रिएक्शंस के मैकेनिज़्म के बारे में